तो महाभारत काल के कई श्राप और वरदान जग प्रसिद्ध हैं, जैसे अंबा ने दिया था पितामह भीष्म को श्राप, पांडु को दिया था थस ऋषि ने श्राप, कर्ण को परशुराम जी ने दिया था श्राप, अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिया था, भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने, अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय ने, राजा परीक्षित को समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को भी एक श्राप दिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि आखिर क्यों द्रौपदी ने हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को श्राप दिया था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघा अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर कर था, जबकि वह इसका प्रयोग केवल अर्जुन पर ही करना चाहते थे। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करते तो युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। फ्रेंड्स, मान्यता के अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिम्बा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसने अपनी दुष्ट राजसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। ऐसा कहते हुए द्रौपदी ने घटोत्कच से कहा कि जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अंजन परवा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी कामकंठका से हुआ था। इस कामकंठका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक दानवीर था। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे वो। बर्बरिक के लिए तीन बाण ही काफी थे जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने दान में बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। वर्तमान में बर्बरिक के कटे हुए सर को ही खाटू श्याम जी कहते हैं और उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों, यह थी कथा कि क्यों द्रौपदी ने हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को श्राप दिया था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।